संरक्षणार्थम अप्रात लक्ष्मी प्रात्यर्थम प्राप्त भगवान की नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय जय जय। हाँ बस महादेव गोरक्षनाथ बाबा से पूरा मनौती किए, एक ऐतिहासिक जीत हो, हमारे प्रधानमंत्री एक मजबूत सरकार बनाए और पूरे देश में खुशहाली आए, पूज्य महाराज जी का सम्मान है, गोरखपीठ की मंदिर की सीट आज मंदिर में लौटा है, ये मंदिर ही की सीट है गोरखपुर की और इसे आज मंदिर में लौटना यही गोरक्षनाथ बाबा से मना है। क्या क्या किए, पूरा पूजा हुआ, पूरा मंत्र उच्चारण हुआ, धन्यवाद दिए प्रभु को, शक्ति लिए और यही मनौती की है कि मंदिर की सीट है, एक ऐतिहासिक जीत के साथ मंदिर में आज सम्मान से लौटनी चाहिए। विरोधी लोगों का कुछ नहीं, ध्वस्त हो जाएंगे क्योंकि नकारात्मक राजनीति है, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, धुरिया जैसे उड़ जाला वैसे आज सब उड़ा दी है। देखा काव के भी लोगों ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द का कुछ राइटरों से लिखवाया था, 100-150 गालियाँ थी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, 1,500 थी, तो उसमें कुछ 1,250 ये लोग लिखवाए थे, तो 1,500 हो गई, जो 250 बची गाली, तो लोग बोले पैसा तो दे चुके थे राइटर लोगों को, तो वो पैसा वसूलेंगे कैसे, तो प्लास्टिक का जो डब्बा है ईवीएम, अब वो गरियाएगा, उन लोग करीबन 6-7 दिन अभी उस ईवीएम के बेचारे वो प्लास्टिक के डब्बे को गरियाएंगे, तो प्रधानमंत्री का कोटा हमारे हो गया तो बच गई गालियाँ, पैसा लोग राइटर को दे चुके थे गालियों का, अब वो प्लास्टिक के डब्बे पर जाएगी, तो वो डब्बा बेचारा 6-7 दिन गाली खाएगा। आज 11 बजे क्लियर हो जाएगा, क्या विरोधियों के अपने अंदाज में क्या कहना है? यह कि नकारात्मक की राजनीति का अंत होगा 2019 में, जात पात की राजनीति का अंत होगा, विकास की राजनीति होगी, सत्य की राजनीति होगी, कथनी और करनी में जो भी राजनीतिक दल झूठा पड़ेगा उसका नाश होगा, अब सत्य की जीत होगी और ये देश अब विकास की ओर है, नरेंद्र मोदी जी के पूज्य योगी महाराज के एक नए विकास के दौर, एक नया सवेरा होगा, एक नया भारत का जन्म होगा, जहाँ पे सारी खुशहाली होगी, जहाँ पर गरीबी मिटेगी, जहाँ पे सत्य रहेगा हमेशा, और हम एक शक्तिशाली ताकत बनेंगे, एक शक्तिशाली देश के रूप में हम पूरे विश्व में उभरेंगे, अब हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता।